लोकसभा से 30, लोकसभा का कितना, लोकसभा का 30, राज्यसभा का, राज्यसभा का 0। इसका काम क्या है बाबू? बजट क्या तैयार करना, बजट या फिर आकलन, क्या करना, आकलन तैयार करना। अब देखते हैं दूसरी समिति, दूसरी समिति होती है लोक लेखा। इसमें लोकसभा का 15 सदस्य होता है और राज्यसभा का 7 सदस्य होता है, टोटल सदस्य की संख्या 22, कितने होती है 22। इसका काम क्या होता है, जांच करना, क्या करना, किसकी जांच करना, बजट से जो पैसा निकला है वो सही जगह खर्च हुआ या नहीं, इसकी जांच कौन करेगा, लोक लेखा समिति। कैसे जांच करेगा, सिंपल बिल मिला लीजिए, जैसे अगर कोई पुल बन रहा है, उस पुल के ठेकेदार ने कहा कि हमने 100 करोड़ में से 20 करोड़ का हमने क्या खरीदा है, सीमेंट, 30 करोड़ का गिट, ये छड़, 30 करोड़ का छड़, 20 करोड़ का सीमेंट, तो सुन लीजिए वहां पे प्राकलन समिति सुन लेती है, ओके ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड, ये 20 करोड़ का सीमेंट किस कंपनी से खरीदा है, कहा जा, और कुछ छूटे का देखा गया हमें एसीसी कंपनी से खरीदे थे, तू जाएगा एसीसी वाले के पास, बबुआ तुम 20 करोड़ का तुम सीमेंट बेचा था ना, तो अगर मान के चले दोस्ती निभाने में कह देगा हाँ हाँ बेचे थे, का कोई बात नहीं, 20 करोड़ में से तुम्हारा 30% टैक्स बनता है, तुम सरकार को दे दो, कहना हमारा हम नहीं बेचे थे, 20 करोड़ का 30% समझ रहे हैं, हाँ 6 करोड़ रुपया उसको किसको देना पड़ेगा, सरकार, और बेच में नहीं किया, सरकार को 6 करोड़ टैक्स देगा, कहना वो झूठ बोल रहा है हम नहीं बेचे थे, आई तो देखा है 30 करोड़ का हम टाटा का छड़ खरीदे थे, तू चल जाएगा कहां, छड़ बेचा था, कहां बेचा था, बिल दिखाइए, तो टाटा दिखाएगा कि हाँ 5 करोड़ का हमने छड़ दिया था, और 5 करोड़ का छड़ खरीदता है, दिखाता है 20 करोड़, यही होता है ऑडिट। ऑडिट में क्या होता है कि आप जो बिल दिखा रहे हैं वहां से वो जस्टिफाई है या नहीं है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, वहां से जस्टिफाई है या नहीं है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब जैसे हम लोग को कैसे जांच करते हैं, कितने बच्चे हमने, कितने बच्चों का टैक्स दिया, तो देख लेगा कि इतने बच्चों का टैक्स दिया, समझ में आ गया। अब हम लोग का एप्लीकेशन देखेगा, कितने बच्चे एडमिशन लिए हैं, सपोज कीजिए तो हम बता दिए कि हमारे पास 85 लाख लड़के पढ़ रहे हैं, हमने दिखा दिए कि हमने 85 लाख बच्चों का टैक्स दे दिया, और एप्लीकेशन में खोल के देख रहा है कि 92 लाख, 7 लाख, हाँ मोए मोए कर देगा, हम दो चार सौ आगे पीछे चलता है, उसके टेक्निकल रीजन होते हैं कि जो टेक्निकल स्टाफ होता है वो खुद एक्सेस लिया रहता है ताकि कोई कमी हो तो देख सके, तो पता चल जाएगा कि जो एक्स्ट्रा है, जैसे मान के चलिए 85 लाख बच्चों का हमने टैक्स दे दिया और हमारे पास आया कि 85 लाख 1500 एक्स्ट्रा बच्चे, तो जिनका फीस दे दिया उसको अलग कर देगा, और जिसका एडमिशन, उसको जो 1500 एक्स्ट्रा है उसका जांच हमसे पूछेगा, ये कौन है, तो उसमें कुछ हैंडीकेप होंगे, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो टेस्टिंग के लिए होंगे, कुछ कुछ चीजें होंगे, यहाँ पे जैसा जैसा होगा हम जस्टिफाई कर देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, और नहीं जस्टिफाई होंगे तो मोए मोए हो जाएगा, उठा ले जाएगा, देख रहे हैं आजकल मुख्यमंत्री लोग उठा ले जा रहे हैं सब, हेमंत सोरेन को उठा ले गए सब, हाँ अरविंद केजरीवाल को उठा ले गए, कई हमरो उठा ले जाए सब, मैं दरिया हूं अपना हुनर जानता हूं, जहां से भी गुजरूंगा रास्ता बना लूंगा, एक क्लास जेल में ही होगा और अखबार में निकलेगा कि जेल से भी अधिकारी बने सब, दिन भर खाली रहेगा सब बवाली सब, उस सब को पढ़ाएंगे, समझ आ गया कि नहीं गया, हाँ सही बता रहे हैं वहां पे, और उस सबको अधिकारी बना के और उसी जेल में प्रमोशन ट्रांसफर करा के अधिकारी बनेगा, और फिर वो आने वाले कैदियों को बताएगा इसी जेल में हम कैदी थे, लेकिन खान सर आए थे इस जेल में, अभी हम जेलर हैं इसके नहीं समझ आया, आप रोशनी को कैद नहीं कर सकते, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे यहाँ पे, बाकी वहां पे जब जेल के अंदर आप लोग नहीं गए हैं, खुदा ना करे आप लोग जेल के अंदर जाए, बट वहां जाके देखिएगा ना, 30% ऐसे लोग मिलेंगे ना जो केवल पैसों की कमी की वजह से अंदर है, उन्हें अच्छा वकील नहीं मिल रहा है, फिर आपको एहसास होगा कि पुलिस अगर एक गलत कलम चला दी ना, एक मिनट की गलती को सुधारने में आपको 10 साल लग जाएंगे,
लोकलेखा समिति समझ में, इसकी जांच कौन करेगी? लोकलेखा। और नियम और टफ कर दिया गया जब लोकलेखा समिति का अध्यक्ष विपक्ष का नेता बना दिया। कहां का नेता बना दिया बाबू? सरकार जितना पैसा निकालते है जांच करेगा कौन? विपक्ष। हाँ विपक्ष समझा गया कि नहीं? कितना संविधान को बेहतर बनाया गया है। और आप सोचिए इतना टफ सिक्योरिटी के बावजूद घोटाला कर देता है। इतना टफ सिक्योरिटी के बाद क्या कर देता है सर? घोटाला कर देगा सर। हाँ